तो फाइनली गाइस PUBG Mobile के अंदर एक न्यू अपडेट आ चुका है और BGMI के अंदर भी यही मोड आएगा और इस अपडेट के अंदर हमें न्यू वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। और मैं कहूँ तो तुम ये कहोगे कि कई मोड बाद गोकू वाले मोड के बाद में एक ऐसा मोड आया है भाई जो सही में इस गेम को फिर से हमें अपना दीवाना बना देगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं न्यू मोड का गेम प्ले दिखाने वाला हूँ और इतनी सारी चीज़ें ना भाई, इतनी सारी बातें हैं, सब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि समझ ही नहीं आएगा। सबसे पहले लॉबी देखो भाई, और ये जैसा कि तुम लोग अभी डांस देख रहे हो भाई, क्योंकि गाइज ये अभी अरेबियन थीम पे है ये वाला अपडेट और ये 6th एनिवर्सरी है PUBG Mobile की, इसीलिए आप लोगों को कुछ ऐसा म्यूजिक देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल देखो भाई गेम के अंदर है क्या। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को दो न्यू वर्ल्ड देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको डे और नाइट दोनों में देखने को मिलेगा। उसी के साथ में आपको बंकर देखने को मिलेंगे, टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, दो शिप देखने को मिलेंगे। जो आपको रूट दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट जा रहा है अभी 3:46 जहाँ पे लिखा था, वहाँ दो शिप हवा में चलती हैं, सब दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन सबसे पहले गाइज एंटर करने वाले हैं हम लोग BGMI के न्यू वर्ल्ड के अंदर। जी हाँ गाइज, और इस वर्ल्ड में जाने का केवल एक ही रास्ता है और वो जब जब प्लेन से कूदेंगे। अगर एक बार आप लोग एरेंगल में पहुंच गए तो आप इस वर्ल्ड में नहीं आ पाओगे। तो यहाँ जैसा कि तुम लोगों ने देखा, ये बिल्कुल इसी तरह, मान लीजिए जैसे हम लोग फिलहाल इवेंट पे कूदते हैं, ये बिल्कुल वही वर्ल्ड जो है ये एक इवेंट की तरह है। यहाँ सारे बंदे कूदेंगे और उठ के गन उठाएंगे और फाइट करेंगे, रिकॉल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो ये देखो, जैसे इस बंदे को नॉक किया, अब मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन दोबारा से देखो ये बंदा नॉक कैसे पड़ा हुआ है। तो न्यू अपडेट के अंदर अगर आप लोग नॉक हो जाओगे तो भाई, अगर कुछ भी नहीं करोगे, पड़े रहोगे एक जगह, तो कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल लीन हो जाओगे एकदम। देख रहे हो कैसे गर्दन के बल ये बंदा गिर चुका है। हाँ, लेकिन ये जब चलने का ट्राई करेगा तो ये पहले एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन रुकने पर एक बार ध्यान से देख लें ये कैसे। खैर छोड़ो, इसे मैंने मार दिया अभी। तो गाइज अब इस अपडेट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि BGMI का जो न्यू अपडेट है वो आप लोगों को आई थिंक एक दो वीक में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को देख लेना, सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, शेयर कर देना, जो हो सके सब करके रखना। बट फिलहाल देखो, मेरे को इस बंदे का साउंड आया था, मैंने इसको मार दिया, लेकिन मैं जैसी इधर पे आया मुझे मिलता है यहाँ पर पोर्टल स्टफ स्टाफ जो भी लिखा हुआ है, बेसिकली एक चाबी है पोर्टल बनाने की। अब क्या पोर्टल, कैसा पोर्टल, सब बताऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखो। हाँ एक बार बस बंदों को निपटा दूँ, वरना तुम्हें क्या लग रहा है ये बंदे मुझे वीडियो बनाने देंगे, ये बताने देंगे कि न्यू अपडेट के अंदर क्या है? नहीं, इसीलिए पहले इनका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर मुझे एक नया ग्रेनेड मिला है जैसे कि तुम लोगों ने देखा, और ये ग्रेनेड डांस करा सकता है एनिमी से। कैसे देखो, जैसे इस ग्रेनेड को फेंकोगे इसके लिए कोई टाइमर नहीं आएगा, और जो भी इस एरिया के अंदर आएगा वो डांस करने लगेगा, चाहे वो आप हो चाहे एनिमीज हो। और इस सर्कल के अंदर आते ही कुछ नहीं होगा, कोई गन फाइट नहीं होगी, आप सामान नहीं उठा पाओगे, सिर्फ डांस होगा। ये देखो अभी मैं आप लोगों ने इसे एनिमी भी ट्राई करके दिखाऊंगा, एनिमी को जब तुम देखोगे ना वो इसके अंदर आता है और वो फायर कर रहा था मेरे पे, लेकिन अचानक वो डांस करने लग जाता है। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी है, क्योंकि मेरे टीममेट बार बार इस ग्रेनेड का यूज़ कर रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। बट फिलहाल देखो, राइट में एक बंदा आ चुका है, इसको नॉक फिनिश किया। अब यहां देखो पोर्टल का, पहले सबसे पहले काम दिखाता हूं, अभी मेरे सामने एक बंदा आया है एनिमी, और वो क्या दिमाग लगाएगा पोर्टल का बना के। अब ये देखो, मैंने इनको कॉल दिया कि सामने बंदा आ गया, भाई साहब ये मस्ती कर रहे हैं इस ग्रेनेड को फेंक के, क्योंकि जब ये ग्रेनेड आपके हाथ, मतलब आप जब इस ग्रेनेड के एरिया में रहते हो ना भाई, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल देखो ऊपर बंदा आ गया जैसे कि तुम लोग बताया था, और अब देखना, अब इसको जैसे हेड वगैरह पड़े ना भाई, ये एकदम घबरा गया और ये यहां से भागने का प्लान बनाता, और जैसे पीछे आया ये देखो इसने पोर्टल बना लिया, ये नीचे भी आ गया, लेकिन भाई मेरे टीममेट ने इसको नॉक कर दिया। अब ये पोर्टल कैसे बनता है और ये पोर्टल क्या क्या कर सकता है, तुम लोग जब जानोगे तो भाई भरोसा ही नहीं होगा आपको। देखो इस पोर्टल को बनाने के लिए बस जो कीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसे हाथ में लेना होता है, और दूसरे सिरे पे, जब आप लोगों को ब्लू कलर का दिखाई देगा दूसरे सिरे पे, बस आप टेलीपोर्ट हो जाओगे इस पोर्टल में। खाली आप ही इससे टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, आप इसे थ्रो बॉल्स, कोई भी आइटम, कुछ भी, गाड़ी घोड़ा जो हो सकता है भाई, सब इससे चला जाएगा। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बट फिलहाल इतना देखो कि हाँ ये पोर्टल है, और इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि हाथ में वो चाबी सी लेनी पड़ती है, और दूसरे सिरे पे हम लोगों को वो ब्लू मार्क लगाना होता है, जैसे ब्लू होगा मतलब हाँ वहाँ पे पोर्टल बन सकता है। बट फिलहाल देखो, जहाँ सामने एक बंदा आया और मैंने इस पर वो डांस करने वाला ग्रेनेड फेंका, लेकिन ये उस एरिया से बाहर था इसलिए डांस नहीं कर पाया। अब देखो मेरे को ना बंदे को मारना इसलिए पड़ा क्योंकि वो बंदा देखो मुझे मार देता, पर मुझे एक और बंदे का साउंड आया, और इससे तो देखो मैं डांस करवा के ही मानूंगा भाई। ये देखो अब जैसे मैंने ये फेंका डांसिंग ग्रेनेड, और अब इस बंदे को देखो तुम,
ये देखो कोने में नाच रहा है भाई गन लेके। अभी देखो अभी हम लोग PUBG मोबाइल खेले तो आप लोग किल्स वगैरह गेम प्ले पे ध्यान मत देना, क्योंकि PUBG मोबाइल में VPN लगा खेलता हूँ तो वहाँ पर ना पिंग बेसिक ग्रीन दिखाता है लेकिन पैकेट लॉस होता है। जिन लोगों को नहीं पता पैकेट लॉस तो छोड़ दो, मतलब एक तरीके से जैसे मान लो कि आपका इंटरनेट उतना अच्छा नहीं काम करता जब आप VPN लगाते हो। बट फिलहाल यहाँ पर आप लोगों ने देखिए फ्लाइंग कारपेट, आई हाय हाय यार इस मोड के अंदर इतनी सारी चीज़ है। और गाइस क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें इस न्यू मोड में बताई हैं तो यार एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ देखो पोर्टल बनाया मौली फेंकी, और जैसे मैंने तुम लोग यहाँ दिखाया देखो यहाँ मौली नहीं है, अभी मैंने मौली फेंकी थी, मौली गई है पोर्टल के पार यहाँ। और ये देखो भाई दिखाने के चक्कर में गाइज मैं नॉक हो गया, देख रहे हो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ और तुम इस वीडियो पे एक लाइक नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, धिक्कार है गाइज, कोई फायदा नहीं है भाई फिर तो वीडियो बनाने का जो तुम इतना नहीं कर सकते। खैर मजाक कर रहा हूँ, बट यहाँ देखो एक हम लोग को ट्रेजर बॉक्स मिला है, लूट बॉक्स मिला है, ऐसी तो बहुत सारी पेटियाँ होती है, इसके बारे में कुछ खास बात है नहीं। बट हाँ ये यहाँ की मेन पेटी है, आप इसे अनलॉक करोगे तो सामान मिलेगा। लेकिन अब मैं तुम्हें फ्लाइंग कारपेट दिखाता हूँ और मिलाता हूँ अपने एक जिनी से। तो देखो फ्लाइंग कारपेट की जमीन पे स्पीड कम रहेगी, हवा में बहुत ज़्यादा रहेगी। बट फिलहाल देखो मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिन स्पॉन होता है, बस मुझे यहाँ पे आना है और ये देखो इस पर क्लिक किया एंड बूम गाइज। और भाई ये जिन इतना सामान देगा ना भाई, आपका बैग भर जाएगा, आपकी जेबें भर जाएंगी, सब कुछ भर जाएगा, लेकिन ना सामान खत्म नहीं होगा इस जिन का, देखते जाओ बस तुम। या आप लोगों को फ्लाइंग कारपेट देगा भाई, पोर्टल की कीज देगा एंड बहुत सारी चीज़ें देगा। देखो लेवल 3 की लूट मिल रही है भाई यहाँ पे। और हाँ गाइस साथ ही गेम के अंदर ना मुझे आज एक न्यू गन भी देखने को मिली, वो जब जिनी लूटते के गया ना तभी मेरे को वो गन मिली थी, और वो है ये वाली गन। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता P90 करके ये गन है, जो भी आप लोग देख लो, गेम में इससे पहले थी कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी जिनसे मिली तो मुझे लगा शायद ये नई गन है, और शायद इसमें कोई स्कोप वगैरह भी नहीं लगता है, इनबिल्ट ही इसमें सब जो आता है सब है, बस गन को उठाओ और मारो। अब देखो यहाँ से बाहर निकलने के लिए ना आप लोगों को काफ़ी सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे, जैसे उन पर बाहर जाएंगे एग्जिट करोगे आप कूद जाओगे, बट मेरे केस में पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, मैं अपने आप ही बाहर गिर गया। अब मुझे अभी ज़्यादा पता है नहीं अपडेट के बारे में, लेकिन जब पता चलेगा क्यों गिरा था तो बता दूंगा। बट फिलहाल देखो अब ना भाई यहाँ तुमको उड़ने वाली नाव दिख रही होगी सामने, और मैं अभी उस उड़ने वाली नाव पे जाने वाला हूँ। एक्चुअली बात ये है, मेरे टीममेट्स ने बोला कि आप उस नाव पे ऐसे नहीं जा सकते, उसके लिए ना आपको वहाँ जाना पड़ेगा कोने पे, तब आप उस नाव पे चढ़ पाओगे। मैंने बोला ये बात है क्या, चलो ट्राई करते हैं। तो देखो मैं जैसे ही इस नाव के पास आया तो भाई पहले तो ये बताओ फ्लाइंग कारपेट कैसी लग रही है उड़ती हुई, मज़ा आ रहा है कि नहीं देख के। और गाइज हाँ ये जो उड़ने वाली नाव है ये भाई साहब 3-3 ड्रॉप भी गिर के जाती है। बट फिलहाल मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि इस उड़ने वाली नाव पे कोई हो भी सकता है, जैसे यहाँ आया भाई मेरे को बोलो पापा ने पकड़ लिया। अब इसको पापा बोलू कैसे, छोड़ो यार नहीं बोल रहा मैं इसको पापा। अब देखो तुम ये क्या बोलता है ऑल पे, ब्रो कैसे हो। अब ये मेरे से भाई ऑल पे वही सब बातें कर रहा था, मुझे लगा अगर मैं कुछ बोला तो कि गाली वाली देने लग जाए, क्योंकि मोस्टली जो बंदे होते हैं यार गाली वाली देते हैं ऑल पे, तो मैं इसलिए अपना माइक फिर ऑन ही नहीं करता। ये देखो इसने बोला अगर नहीं बोलेगा तो मार दूंगा, मैं चल ठीक है तू मार दे। तो चलो अब यहाँ से मरने के बाद में हम लोग चलते हैं टेम्पल्स पे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, टेम्पल्स बंकर्स और क्या बताया था, ट्रेजर बॉक्स बताए थे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा गेम के अंदर ऐसा भी एक अपडेट आया कि आप लोग ना जमीन से खोद के एक ट्रेजर बॉक्स निकालोगे, हाँ वो भी दिखाऊंगा अभी सब्र करो बस। फिलहाल देखो अभी हम लोग टेम्पल वाले एरिया में आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि एकदम अरेबियन थीम पे है, तो आप लोगों को सब कुछ जो घर है इवन वो घर भी एकदम अरेबियन से इंस्पायर्ड लग रहे हैं बिल्कुल। बट फिलहाल देखो जैसे कि आप लोग एक क्रॉस वाले चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस दिख रहा होगा, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, यहीं पर आप लोगों को ज़मीन खोद के ट्रेजर बॉक्स निकालना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं गाइस अब गड्ढा खोदने, उन्होंने जहाँ पे क्रॉस का निशान लगा रखा है। बट फिलहाल एक बार तुम देख सकते हो ये वाले एरिया को भी, कि वाला एरिया कुछ देखने में कैसा लग रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पे बेसिकली क्या बोल सकते हैं कवर लेने के लिए जगहें भी हैं, बहुत कुछ है, तो देख लिया भाई ऊपर से। चलो गाइस अभी चलते हैं। और हाँ गाइस यार सही बताना अपडेट कैसा लग रहा है, मजाक सेट के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम देख रहे हो जब से मैंने ये वीडियो चालू करी है मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये अपडेट सही में बहुत कमाल का है। बट फिलहाल देखो मेरा टीममेट भी आ चुका है, और इस चटाई में शायद मैक्स मैक्स दो ही लोग बैठ सकते हैं, और चटाई लेके उड़ने का क्या ही फीलिंग है देखो तुम एक बार। और हाँ गाइस इसमें ना आप लोगों को एक स्प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो जैसे आप स्प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये चटाई ना घूम के ऐसे और फिर आगे एक डैश मारती है, देखो अभी किस तरीके से ये देखो। और हाँ उसी दौरान इसकी स्पीड 180 तक भी जाती है। बट फिलहाल देखो हम लोग क्रॉस वाले मार्क पे आ चुके हैं, आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, और यहाँ पर ना अब आपको एक और क्रॉस का मार्क ढूंढना है ज़मीन पे कहीं भी जहाँ भी आप लोगों को ये मार्क दिखाई देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्रॉस का मार्क ढूंढ रहा हूँ कि आखिरकार वो है कहाँ,
और ये देखो गाइज मुझे यहाँ पे मिल गया। बस जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको डिग करने का ऑप्शन मिलेगा, बस खोदने का। ये जैसे आप इसे खोदोगे ये लो गाइज वो बॉक्स बाहर आ चुका है। यार देख रहे हो तुम यार क्या कमाल का मोड है ये। अगर तुमने ये वीडियो शेयर नहीं करी ना अपने दोस्तों को, कसम से तुम फिर एक अच्छे बीजीएमआई प्लेयर तो नहीं हो, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा अपडेट यार तुम कैसे मिस होने दे सकते हो अपने दोस्तों से और इसे लोगों को बताने से, मतलब कैसे छोड़ सकते हो। बट फिलहाल देखो यहाँ एक बॉट आ चुका है और इस बॉट पे अब मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ बहुत सारे। सबसे पहले जैसे मैंने पोर्टल बनाया, एक तो पोर्टल बनाना यार बहुत टफ सा है, मैं इसमें गैंड फेंकता हूँ डांस करने वाले भाई, लेकिन ये बॉट रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। ये देखो जैसे वहां फेंका ये वहां से भाग गया। फिर मैंने एक और इधर फेंका, इस बार ये डांस करने लगा ये देखो, लेकिन फिसल के जैसे ही बाहर आया तो फिर से वो डांस उसने करना बंद कर दिया। अब यहां पर देखो मैंने अपने टीममेट से पोर्टल की ली, पोर्टल बनाया। अब देखो मैं इस पोर्टल में अभी आइटम भी फेंकने वाला हूं, ग्रेनेड। मैंने अपने टीममेट से ग्रेनेड लिए, फुल को ग्रेनेड ये फेंका, लेकिन ग्रेनेड थोड़ा नीचे जाके गिर गया। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये पोर्टल से तुम क्या क्या, इसमें तुम गाड़ी भी डाल सकते हो। इवन इस वाली वीडियो में तुम लोगों को पोर्टल के अंदर गाड़ी डाल के नहीं दिखाऊंगा, वो तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस अपडेट के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी यही नहीं है। अभी तो तुम देखते जाओ, इसमें और भी बहुत सारी नई नई चीजें हैं। यहां पर मैंने फिर से पोर्टल बनाया एक और। एक तो यार पोर्टल बनाना गाइस लिटरली बहुत टफ काम है यार। ये देखो मैंने फिर से पोर्टल बनाया और इस बार हम इसमें मौली फेंकते हैं, ठीक है? ये मैंने मौली फेंकी, ये देखो यहाँ पर मौली नहीं गिरी है। अब मैं पोर्टल के पार जाता हूँ, ये देखो इस बार जो मौली है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गई। तो चलो इतना एक्सपेरिमेंट बहुत है, इस बॉट को मार देते हैं। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले थे, मैप में ना हम लोगों को केक दिखाई दे रहा था जो कि पोचिंग के पास था, तो बस हम केक के लेने के लिए, केक खाने के लिए पोचिंग की तरफ जाते हैं। बट गाइज वो कोई आम केक नहीं है, उसे हल्के मत लेना, वो बहुत मज़ेदार केक होने वाला है, ठीक है? बट फिलहाल तुम इस चटाई के मजे लो। और हाँ, चटाई से याद आया कि गाइज इसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है। ये देखो यहाँ मेरा फ्यूल खत्म हो गया और उसके बाद ये धीरे 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 नीचे आ जाएगी, और जैसे ही आप लोग इससे एग्जिट करोगे तो जिसकी भी ये चटाई होगी फोल्ड होगी उसी के बैग में घुस जाएगी। है कि नहीं यार कमाल का फीचर, मैं कितना बोलूँ इस गेम के बारे में। बट फाइनली देखो हम लोग केक के पास में आ चुके हैं, मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा। और देखो ये रहा वो केक। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही इससे जंप किया भाई, यहाँ थे बंदे और मेरे तो भाई इन्होंने कच्छा फाड़ दिया सही में। खैर टेंशन वाली कोई बात है नहीं, मैं अभी ऊपर हूँ, फर्स्ट हिट लगाई, लेकिन बंदे ने क्या दिमाग लगाया, बस तुम देखते जाओ। जैसे मैंने हेल्थ लगाई भाई, ये पोर्टल बना के छत पे आ गया बंदा, देख रहे हो तुम क्या दिमाग लगाया उसने। अब दूसरा बंदा यहां से आने का ट्राई कर रहा था और यहाँ मेरे टीममेट ने कवर दिया और इसी के साथ में हमने इन बंदों को मार दिया। तो तुम देख रहे हो गाइस पोर्टल का क्या क्या यूज़ है, तो दबा दो इसी बात पे सब्सक्राइब। और यहाँ पर देखो मैं पोर्टल के साथ में आ चुका हूँ ऊपर। अब देखो जैसे हम लोग केक के पास में आए ना, मैं टेक ग्रुप फोटो पे क्लिक किया, बट ऊपर एक टाइमर चल रहा था 220 सेकंड का। अब मैंने बोला यार 220 सेकंड कौन रुकेगा, एक काम करो चटाई निकालो और चलते हैं भाई दूसरे केक पे। तो गाइस हम लोग निकल पड़े दूसरे केक की तरफ। हम लोगों को पता चला कि दूसरा केक यहाँ इधर की तरफ है, इन घरों की तरफ, ठीक है? लेकिन जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी देखना भी क्या क्या होने वाला है। ये है वो वाला एरिया जहाँ पर इस बार हमें केक देखने को मिलने वाला था, बट शायद यहाँ पर केक तो नहीं था, यहाँ गाइस एक भाला था और वो भाला इतना भारी था, जब मैंने उस भाले को फेंका ना भाई, मैं ही भाले के साथ फेंक गया। तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तुम। ये मैंने भाला उठाया और मैं समझ में नहीं आया इसको कहाँ फेंकना है, मैंने जैसे इसको इधर फेंका ये देखो भाई मैं ही जाके गिर गया भाले के साथ। यार बहुत हंसी आई मुझे कि मैं इतना कमजोर हूँ यार कि भाले के साथ ही फेंका चला गया। एक्चुअल मैंने इस भाले को, मेरे को ऊपर फेंकना था बट मैंने इसे गलत फेंक दिया। अब जैसे इस भाले को फेंकने वाला था तभी मेरे को नीचे से नाव की आवाज़ आई, मतलब बोट के साउंड आई, मतलब कोई तो है। मैंने सोचा कि चलो इस भाले को इसमें मारते, लेकिन भाला तो गायब हो गया बट मेरे हाथ में पोर्टल आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो पोर्टल बना के इसके पास चलते हैं। ये पोर्टल बनाया, मैं यहाँ आ गया। अब गाइस यहाँ तुम ना पोर्टल का यूज़ देखना, मैंने कितना मस्त यूज़ किया है पोर्टल का, और इससे अच्छी सिचुएशन कोई हो ही नहीं सकती आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? अब ये एनिमी देखो नीचे था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि नाव में अगर आए तो मैं इसको मार दूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पहले तो डांसिंग ग्रेनेड फेंका जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर जा गिर गया, वरना हम लोग पानी में इस बंदे का डांस ज़रूर देखते। बट फिलहाल मैं जैसे ही नाव से बाहर आया तो सबसे पहले मैं इस कोने में आया और मैंने एक और पोर्टल की हाथ में ली। और अब देखो यहाँ पर मैं क्या दिमाग लगाने वाला हूँ। ये मैंने बनाया पोर्टल, ये देखो वहां, ये मैं वहां जाके निकला, बंदा घूमा
और ये मैंने उसको मार दिया। और अभी देखो अभी जोन जा रहा है, मुझे अभी यहाँ से ऊपर जाना है। मैंने एक और पोर्टल बनाया और मैं फिर से बाहर की तरफ आ गया। तो गाइज यकीन मानो यार, ये पोर्टल्स और न्यू अपडेट की चीज़ें हैं तो यार बहुत ज़्यादा काम की। बाइक लेके आते हैं इस वाले घर पे। जैसे यहाँ पर आए, अब यहाँ तो भाई भयंकर ही समझ रहे ना होने वाली है BKC, बट तुम देखते जाओ क्या होगा। सामने बंदा, इसको नॉक किया। अब जैसे इसको नॉक फिनिश किया तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक और बंदा है, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो तुम देख रहे हो उस बंदे के साथ क्या होगा। मैंने ग्रेनेड फेंका और ये डांस वाले ग्रेनेड है, ठीक है, नॉर्मल ग्रेनेड नहीं है ये, देखो। और ये फाइट के बीच में तुम देखो अब चल क्या रहा है यहाँ। ये देखो भाई, ये मेन फाइट के बीच में चल रहा है ये सीन। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये गेम बहुत फनी हो जाएगा इसकी वजह से, और कहीं ना कहीं बहुत मजा भी आएगा। अब यार MK वाले ने मुझे दबोच लिया, बट टेंशन वाली बात नहीं, टीममेट्स ने रिवाइव दिया। अब हम यह जोन के बाहर थे और हमारे पास जाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारी सारी चटाइयों का तेल भी खत्म हो गया था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जल्दी से हमने ये वाली गाड़ी उठाई और जैसे यहाँ से निकलते, बंदों ने तब तक हमें स्पॉट कर लिया था। और इसी के साथ में गाइज न्यू अपडेट की जो वीडियो है यहीं पे खत्म होती है। आपने जितना भी देखा, मेरे पास आज इतना ही मसाला है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मैं और भी नई चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कमेंट बताओ न्यू मोड लगा कैसा, कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले बाय।